हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका एसएससी रिजल्ट का रिजल्ट आ चुका है 2018 वाला, और काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट था कि सर हम लोग अब टाइपिंग के लिए तैयारी करें या सीपीटी के लिए तैयारी करें या फिर हम लोग आगे के जो हमारा 2019 का जो बैंच है उसकी तैयारी करें। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ की, दो जरा कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए कोई भी पोस्ट लेने के लिए, इसकी वीडियो मैंने बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही मैंने वो वीडियो बनाई थी उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, जो HS थे, VS थे, जो PWD के कैंडिडेट थे, उनके पास कमेंट्स आए थे कि सर हमारे लिए भी कट ऑफ बनाइए, हमारे लिए कोई कट ऑफ नहीं बनाता है, इतने सारे चैनल हैं लेकिन सभी SC ST जनरल OBC कट ऑफ जो बना देते हैं लेकिन PW कैंडिडेट्स के लिए कोई भी कट ऑफ यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो उन्हीं की स्टूडेंट की डिमांड को रखते हुए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक कट ऑफ प्रेडिक्ट की है, और ये कट ऑफ एक मैंने आपको प्रेडिक्ट की है, ये एक एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, सिर्फ मैंने अपने अकॉर्डिंग ये मैंने पूरा डेटा एनालिसिस करके आपकी 2017 के अंदर आपकी वैकेंसीज, आपकी कट ऑफ, आपकी फाइनल कट ऑफ, सारे के सारे डेटा को एनालिसिस करके मैंने ये आपकी फाइनल कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर निकालने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मुझे बहुत टाइम लगा है इतनी सारी कट ऑफ निकालने के लिए, आपकी पूरा डेटा निकालने के लिए 17 का। तो प्लीज़ दोस्तों, आपके लिए PW कैंडिडेट के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। अगर आपका इसी तरह आपका सपोर्ट बनता रहा तो मैं आपके लिए जितने भी आपकी वैकेंसी होती है, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, सभी के लिए मैं आपके लिए कट ऑफ वगैरह प्रिंट करूँगा, और आपके लिए मैं जो काम और एजुकेशन चैनल नहीं करते हैं वो मैं आपके लिए करूँगा। तो बस यही, आपका प्यार बनाए रखिए। मुझे देखना ये है कि इस पर कितने लोग लाइक करते हैं। देखिए, डिसलाइक इंसान वही करता है जिसका या तो वो कट ऑफ से सेटिस्फाइड नहीं होता है या फिर उसे लगता है कि इतने मेरे मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो वही लोग इसको डिसलाइक करते हैं। लाइक करने वाले भी मेरे पास काफ़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारी वीडियो को। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 2017 के अंदर हम बात करते हैं आपकी TA पोस्ट की। देखिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ बता रहा हूँ TA पोस्ट के लिए, मिनिमम आपको कितने मार्क्स चाहिए कोई भी आपको एक पोस्ट लेने के लिए, एक नौकरी लेने के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ESM की, OH की, HH की और VH की, तो चार कैटेगरी मैंने यहाँ पर ली है आपकी PWD की। तो हम बात करते हैं TA की। तो अगर 2017 में बात करें वैकेंसी की तो कितनी थी आपकी, 349 थी आपकी, कितनी थी, 349। OH की बात करें तो 127 थी आपकी, और HH की बात करें तो 96 थी, और VH की बात करें तो 25 थी। लेकिन हुआ क्या, आप लोग चेक करिए, 2018 के अंदर वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो 349 से डायरेक्ट हो गया 692, यानी कि आप कह सकते हो जस्ट कितना हो गया, ये डबल हो गया है, जस्ट डबल वैकेंसीज हुई है आपके पास, जस्ट डबल वैकेंसी। और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में भी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना आप लोग, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिनका भी SSC के 10+2 का एग्जाम है उनके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिनका 10+2 का एग्जाम है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोग। ठीक है, देखिए ESM की वैकेंसी जो है जस्ट डबल है। OH की बात करें तो पहले 127 थी, अब कितनी होगी, 173, यानी कि वैकेंसी इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज है। HH की बात करें तो कितनी है, 96 से कितनी होगी आपकी, देखिए 162, तो इसके अंदर भी आपका काफ़ी अच्छा इंक्रीज है। और आपके देखेंगे 25 से 65, किसके अंदर, VH के अंदर, डबल से भी ज़्यादा आपका इंक्रीज है। तो वैकेंसी भी ज़्यादा है इस बार। और अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की, तो ये वाली जो कट ऑफ है आपकी, कट ऑफ है ये टिल Tier 3, यानी कि आपको जो पेपर हुआ था प्री का, मेंस का, Tier 3 का, इनकी जो एक कंबाइंड कट ऑफ निकलती है उसके बाद आपको बुलाते हैं CPT के लिए और टाइपिंग के लिए, यानी कि टेस्ट के लिए। तो आपकी जो फोर्थ लिस्ट होती है मिनिमम पोस्ट लेने के लिए, जो फोर्थ लिस्ट होती है उसकी ये कट ऑफ है आपकी टेस्ट, यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ है। CPT के लिए मैं आपको मेरी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं बना दूंगा। ठीक है, देखिए CPT के लिए बात कर, उसके टाइपिंग के लिए बात करते हैं तो मिनिमम जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी आपकी, 295, 295.5 आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये कट ऑफ थी आपकी Tier 3 तक, टाइपिंग के लिए जो बुलाया गया था वहाँ पर आपको, उसके लिए कट ऑफ थी। OH की बात करते हैं तो कितनी थी आपकी, 355 थी। HH की बात करते हैं तो 289.75 थी, और VH की बात करते हैं तो 377 थी। अब देखिए, अब आप लोग एक चीज़ चेक करना है, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग चेक करना, अगर हम बात करते हैं 2018 की, 2018 की हम लोग बात करते हैं, देखिए 295 आपकी वैकेंसी क्या थी, आपकी कट ऑफ थी Tier 3 तक ESM की, लेकिन अब कितनी कट ऑफ है देखिए आप लोग, 288.12 कट ऑफ क्या है, कम हुई है। बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है, देखिए आप लोग यहाँ पर इतना कंपटीशन बढ़ रहा है फिर भी आपके यहाँ पर कट ऑफ कम हुई है, जबकि SC ST जनरल OBC की सभी की कट ऑफ में इंक्रीज हुआ है। आप लोग देखा हुआ वो थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है इस बार, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर जो है आपकी कट ऑफ क्या है, गिर चुकी है।
कट ऑफ आपकी गिर चुकी है, तो आप ये देखिए, देखिए कंपटीशन तो बढ़ा है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो ये तो हो नहीं सकता कि जो कट ऑफ अभी यहाँ पर रही है आपकी, वही कट ऑफ आपकी यहाँ पर रहे। थोड़ा बहुत चेंज तो आपको आएगा ही आएगा। अगर हम बात करते हैं देखिए इसकी 295 से कितनी होगी, 288, तो यहाँ पे क्या है, डिग्रीज है। अब बात करते हैं ओएच की, ओएच की बात करते हैं तो 355 से कितना है, 374 है, यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 289 से 256 हुआ। अब देखिए एच एच के अंदर देखेंगे, यहाँ पर भी क्या है आपकी जो कट ऑफ है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। और वी एच की बात करते हैं, 377 थी, यहाँ पर 379, मात्र दो नंबर का इंक्रीज हुआ है, मात्र दो से ढाई नंबर का आपका इंक्रीज हुआ है। तो आप देखेंगे इन जो पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है, इनके अंदर ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम लोग फाइनल कट ऑफ की, 2017 के अंदर कोई भी पोस्ट लेने के लिए आपको कितनी आपकी कट ऑफ गई थी, ये आपकी है टीए के लिए, सीबीआईसी के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ईएसएम की, तो 295 आपके टायर थे कट ऑफ थी, उसके बाद कितनी मार्क्स बढ़े आपके, आपके जो मार्क्स हैं वो कितने बढ़े आप लोग चेक करिए एक बार, आपके जो मार्क्स थे वो कितने बढ़े यहाँ पर, आपको हो गए 57 और 5 कितने 62, यानी कि समथिंग जो है आपके 62 के आसपास मार्क्स जो यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं 355 से 424 हो गया, तो कितने आपके इंक्रीज मार्क्स हुए हैं, देखिए आप लोग 355 से 24 हुआ है तो देखिए 45, ठीक है 45 तो ये हो गया आपके, और 446 ये कितना हो गया, लगभग 66 के आसपास, 66 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ का इंक्रीज हुआ है आपका। अगर एच एच की बात करते हैं तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, तो 31,041, यानी कि 41 के आसपास आपका इंक्रीज हुआ है कम से कम, ठीक है। वी एच की बात करते हैं तो इसमें कितने का इंक्रीज हुआ है, ये देखिए आप लोग, ठीक है ये हुआ है आपका 64 के आसपास, 63 के आसपास मान लीजिए आप लोग, 63 के आसपास का इंक्रीज हुआ है। अब आप लोग चेक करोगे यहाँ पर 62 का इंक्रीज है, यहाँ पर 66 का, यहाँ पर 41 का, यहाँ पर 63 का, देखिए। और कट ऑफ की बात करते हैं हम लोग, देखिए 2017 के अंदर जो ई एस एम की जो फाइनल जो कट ऑफ थी कोई भी पोस्ट लेने के लिए, वो थी आपकी 357 पॉइंट कट ऑफ थी। तो क्या 2018 के अंदर भी यही कट ऑफ रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। कट ऑफ आपकी देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आपकी वैकेंसी ज़्यादा है और कट ऑफ कम हुई है तो आपकी सेम की सेम कट ऑफ रहेगी। देखिए होता क्या है, अगर ये वैकेंसी कम होती या फिर आपकी कट ऑफ बढ़ती, तो जो आपका जो नंबर ऑफ जो मार्क्स थे वो ज़्यादा इंक्रीज होते हैं कट ऑफ के अंदर 2018 के अंदर अकॉर्डिंग टू 2017 के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही कम डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पर अगर 357 गई है कट ऑफ, यहाँ पर अगर 357 गई है, अगर हम लोग एक बार चेक करें 295 से अगर 62 का इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम लोग 62 का इंक्रीज करें एक बार, देखिए एक बार ये कट ऑफ बता नहीं रहा हूँ मैं, एक बार चेक करें आप लोग तो कितना आएगा, देखिए ये जाएगा समथिंग 350 के आसपास, समथिंग कितना जा रहा है, 350 के आसपास जा रहा है अगर हम लोग इसके अंदर 62 ऐड करते हैं तो, ठीक है दोस्तों। कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या इसके अंदर, एक मिनट रुकिए एक बार आप लोग, है ना, 62 अगर हम ऐड करते हैं तो 350 जा रहा है या नहीं जा रहा, हाँ ठीक है 350 जा रहा है आपका, ठीक है। तो आप लोग चेक करोगे यहाँ तो जा रही 357, यहाँ जा रही 350, देखिए कट ऑफ 350 जानी चाहिए थी, वैकेंसी भी ज़्यादा है इस बार और आपके मार्क्स भी इतने जोड़ लिए। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपसे फिर कहा कट ऑफ हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको देखिए काफ़ी स्टूडेंट मुझे गाली भी देते हैं इसके अंदर, काफ़ी फालतू कमेंट भी बोलते हैं कि सर ऐसा थोड़ी होता है, इतनी कट ऑफ थोड़ी बढ़ती है। लेकिन आप लोग फाइनल कट ऑफ चेक करना एक बार, चाहे पेपर कितना ही आसान आ जाए, कितना ही टफ आ जाए, या कितना ही आपका कंपटीशन कम हो जाए, या कितनी वैकेंसी बढ़ जाए, कट ऑफ हमेशा आपकी बढ़ती बढ़ती है, कम अभी बहुत कम होती है। तो हम लोग बात करते हैं अगर आपको जॉब चाहिए, तो मैं अगर यहाँ एक्सपेक्टेड बात करूँ तो अगर आपके 360 नंबर बन रहे हैं, अगर आपके 360 यहाँ मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको 100% कोई ना कोई आपको पोस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। 360 से अगर हम बात करें, देखिए अगर बात करें तो देखिए 360 से 365 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट इस बार आपको मिल जाएगी किसके अंदर, ईएसएम के अंदर। वैसे ही बात करते हैं हम लोग ओएच की, तो देखिए 355 से आपके 424, 66 का आपका इंक्रीज है। तो 66 का अगर इस पर इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा हम लोग देखिए ज़्यादा इंक्रीज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 355 से 374 तो यहीं पर हो गया, यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो क्या हुई है, कट ऑफ जो है आपकी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। वो कट ऑफ इंक्रीज हुई है, पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि 66 बढ़ाने पर इसमें कितना इंक्रीज आ रहा है, पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे कि 66 पर ये कितना इंक्रीज हो रहा है, फिर हम लोग एक बार एनालिसिस करेंगे। तो देखिए ये आएगा 4, ये आएगा 440, कितना आ गया 440। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 424, यहाँ पर कितना आ रहा है 440, लेकिन क्या आपकी ये कट ऑफ रहेगी,
अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी पहले 127 थी, अब कितनी हो गई आपकी, 177 वैकेंसी हो चुकी है आपके पास, कितनी हो चुकी है 177। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पर भी 20 नंबर का इंक्रीज हुआ है, तो क्या आप यहाँ 20 इंक्रीज नंबर ऐड करोगे इसके अंदर? बिल्कुल नहीं करोगे इसके अंदर, इतना डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसकी जो मैं अगर आपको कट ऑफ एक बार बताऊँ आपको, तो अगर आपके मार्क्स बनते हैं यहाँ पर 430 से 435, तो आपको इस बार कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल जाएगी, ये आपकी गारंटी है। पोस्ट भी ज़्यादा है इस बार, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, इतना ही आपका डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर वैकेंसी इंक्रीज हुई है, कट ऑफ देखिए, मैंने कहा वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो स्टूडेंट भी उतने ही ज़्यादा बढ़े हैं, और आपकी जो कट एक कॉम्पिटिशन लेवल भी एक चीज़ होती है, वो भी आपका यहाँ पर हर साल बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी इतनी कट ऑफ रह सकती है। अगर हम बात करते हैं HS की, तो HS की बात करते हैं, तो HS की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी आपकी, 96 थी। कितनी थी आपकी, 96। तो 96 आपकी वैकेंसी थी पहले, और हो कितनी गई आपकी, 162। एक मिनट, इसकी रहेगी क्या आपकी VH की, अगर हम बात करते हैं VH की, HS हो गया आपके पास है ना, अच्छा चल ठीक है VH, ओके ओके। ESM का हो चुका है अपने पास, OH का भी हो चुका है, ठीक है। VH का हमने नहीं किया क्या अभी तक, क्या हमने VH का बारे में अभी तक प्रिडिक्शन नहीं किया क्या, बताइए एक बार। ESM का हो गया है, OH हो गया है, अच्छा HS का रहा है अभी, ठीक है HS का रहा है अभी, ठीक है हमने देखते हैं पर ना HS का, देखिए आप लोग, हाँ अब HS का देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग HS का देखते हैं तो देखिए 96 था आपके पास, कितना था यहाँ पर 96, तो 96 से देखेंगे हम लोग, हमारी वैकेंसी थी 96 और अब कितनी हो गई, 162। 96 से जो वैकेंसी थी वो कितनी हो चुकी है, 162, यानी कि काफ़ी अच्छा इंक्रीज है वैकेंसी के अंदर। तो हम बात करते हैं देखिए, तो कट ऑफ कितनी थी, देखिए आप लोग कट ऑफ कितनी थी आपकी, कट ऑफ थी 377 कब तक, टायर थ्री तक 377 कट ऑफ थी। और जबकि हम बात करें अगर 2018 में बात करें तो कितनी है, 256। तो बताइए आपका जो मार्क्स है VH की जो कट ऑफ है, क्या वो आपकी डिक्रीज हुई है या बढ़ी है, आप लोग खुद ही चेक करिए एक बार, आप लोग खुद ही एक बार चेक करिए कि कट ऑफ में आपका इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, ये बात आप लोग खुद ही एक बार चेक करिए। देखिए 289 से 256 हुआ है, यानी कि कट ऑफ में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भी कट ऑफ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि कट ऑफ तो बढ़ेगी लेकिन आपके ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत कम आपका डिफरेंस आएगा। देखिए कैसे, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 41 का। अगर यहाँ पर हम 41 जोड़ते हैं एक बार, 40 जोड़ते हैं एक बार, तो समथिंग आपके 262 के आसपास आएगा, कितना आएगा, 260 के आसपास जाएगा ये। तो अब इसी कट ऑफ बात करते हैं हम लोग, सॉरी 300 के आसपास जाएगा ना, ठीक है। देखिए आप लोग अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, और आपकी क्या है कट ऑफ डिक्रीज हुई है, तो इसमें अगर हम लोग बात कर दें, अगर हम इसमें 41 ऐड करके देख लें एक बार, तो कितना आ रहा है ये, 9, कितना आ रहा है, 297। 297 क्यों आया, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो भी ज़्यादा है, ऊपर से आपकी कट ऑफ भी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, कट ऑफ भी क्या हुई है आपकी, डिक्रीज हुई है। और हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन लेवल आपका बढ़ा है, इस कारण से ये 331 थी, यहाँ पर कितना आ रहा है, 297। तो ये बात आप मान के चलिए, इतनी कट ऑफ कम होने का कारण यही है कि आपके यहाँ पर हमेशा आपकी कट ऑफ क्या होगी, कम होगी। यानी कि मैं कह दूँ कि अगर आपके यहाँ पर 320 से 330 का हम लोग उसमें डिफरेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा चेंज ज़्यादा आ सकता है, इतने मार्क्स पर आपको क्या मिल जाएगी, HS के अंदर कोई ना कोई पोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों, क्लियर आपका। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट आपके VH की, तो VH की वैकेंसी देखिए 25 से कितनी होगी, 65 होगी, डबल से भी आपकी ज़्यादा वैकेंसी है। और हम बात करते हैं कट ऑफ की टायर थ्री तक, तो 377 कट ऑफ थी आपकी और कितनी होगी, 443, 63 का आपका क्या है, डिफरेंस है। तो एक बार हम लोग देखें 377 से 300 क्या हो गया, 79, यानी कि 2 या 2.5 नंबर का आपका इंक्रीज है मात्र, बहुत कम डिफरेंस है। अगर हम इसमें एक बार 63 ऐड करके देखें, एक बार अगर हम इसमें डिफरेंस जो है 63 ऐड करके देखें, तो कितना आएगा, 8×14=442, कितना आ रहा है, 442 आपके पास आ रहा है। और हमारी जो कट ऑफ थी पिछली बार कितनी थी, 443, और हमारे कितनी आ रही है, 442। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कट ऑफ तो आप बढ़ेगी, चाहे आपकी वैकेंसी बढ़ी है अच्छी बात है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा था आपके इंक्रीज में वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब देखिए, तो मान के चलिए आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है यहाँ पर 450 से 455, तो इतने पे आपको कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो यही आपकी कट ऑफ थी आज की। देखिए आप लोग, हम वापस से मैं रिपीट करता हूँ एक बार, ESM की बात करता हूँ, तो 360 से अगर 365 आपके मार्क्स बन रहे हैं, अगर इसके आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं, इसमें आप लोग एक बार प्लस माइनस का 5 और कर लेना, प्लस माइनस 5 करेक्शन आप लोग कर लेना, क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन है,
कोई आपके रियल कट ऑफ नहीं है, तो प्लस माइनस 5 लोग कर लेना इसके अंदर। तो 360 से 365 अगर आपके बन रहे हैं ESM वालों के 2018 के अंदर, तो आप लोग बिल्कुल आप लोग टाइपिंग की तैयारी करने लग जाइए, आप लोग कोई भी आपको डील नहीं बरतनी है। OH की बात करता हूँ तो अगर आपके 430 से 435 मार्क्स बन रहे हैं तो OH वाले आप लोग बिल्कुल आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। HH की बात करते हैं तो 320 से 330 हो जाएगा। VH की बात करते हैं तो 450 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो टाइपिंग के लिए आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से। और टाइपिंग की स्पीड कैसे बनानी है ये आपको मैं बता दूंगा ये वीडियो बना के, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करना कि सर एक टाइपिंग पे वीडियो बनाइए। देख और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप पता नहीं कैसे कट ऑफ प्रिंट करते हो। देखिए मैंने खुद 2 बार SSCL क्वालिफाइड किया है, टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया है, ठीक है, और मैंने जॉब भी ली है, ठीक है दोस्तों, और मैंने DV भी करवाया है। तो आपको अगर कोई भी डाउट है टाइपिंग से रिलेटेड, DV से रिलेटेड, आप मुझे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, क्या नहीं, क्या दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है धवन स्टडी पॉइंट पर, आप मुझे वहाँ पर भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है धवन स्टडी पॉइंट, मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा। और एक दोस्तों मैं आपको एक लास्ट में एक बात और बोलना चाह रहा था कि जैसे आपको बताया 12 तारीख से यानी कल से ही आपके 10+2 के एग्जाम है, शीर्षक जो आपके रिमेनिंग एग्जाम बचे हुए थे वो आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने आपको 10 प्रैक्टिस सेट आपको करवा रखे हैं, मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने वो 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा मैथ के अंदर, वही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको CHSL के, CPO के, MTS के सारे मिक्स क्वेश्चन करके मैंने आपको प्रैक्टिस सेट बनाए, बहुत मेहनत से बनाए। तो प्लीज़ एक बार आप लोग जरूर देखना अगर आपका एग्जाम है 10+2 का। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसे लगी एक बार आप लोग उसकी वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिनकी भी इस वीडियो की जरूरत है उनको जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम टीचर बनाते हैं। तो वही मैंने आपके लिए बनाई है, आपकी डिमांड पर बनाई है, तो प्लीज़ आप लोग इस पर सपोर्ट करते रहिए। मैं